सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण की पाठ संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। उसको मैं पढ़ाऊँगी और आप सभी को अच्छे से समझाऊँगी भी। आशा है आप सभी समझेंगे उसे। तो आपका विषय का नाम, पाठ का नाम है संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो ये आपको सिर्फ जानने के लिए नाउन लिखा जाता है, ताकि आप विषय को सही से समझ पाए कि आखिर में संज्ञा क्या है। ठीक है, तो नाउन का क्या मतलब होता है? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। उसी तरह हिंदी में संज्ञा का क्या है कि जितने भी नाम हैं सभी आपके संज्ञा हैं। जैसे कि मान लीजिए इसी कक्षा को ले लीजिए आप। ठीक है, कक्षा भी एक नाम है। उसके साथ आप पंखा ले लीजिए, घड़ी ले लीजिए, ठीक है, मेज, कुर्सियाँ, ये सभी एक एक संज्ञा शब्द ही हैं। तो अभी उसको सटीक उसकी परिभाषा जानेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आइए आप सभी लिख लीजिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, उसकी परिभाषा लिखिए। उसकी परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को, के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, इसे लिख लीजिए। उदाहरण के स्वरूप में उदाहरण है इसका, जैसे कि राम, श्याम, किताब, गांव, शहर, दिल्ली, भुवनेश्वर, ये सारी आपकी संज्ञाएं ही हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। संज्ञा तो आपको पता चल गई, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के हैं और क्या क्या? संज्ञा कुल तीन प्रकार के हैं। आइए जानते हैं क्या क्या है वो। संज्ञा तीन प्रकार के हैं, उसका भेद तीन है, तीन प्रकार के हैं, तीन भेद हैं उसके। क्या क्या? पहला है, मान लीजिए यहाँ पे मैं संज्ञा लिखी, तो उसके तीन भेद हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरा है आपका जातिवाचक, ठीक है, और तीसरा और आखिरी है आपका भाववाचक। तो संज्ञा को कितने भाग में विभक्त की गई है? तीन भागों में। तीनों के क्या नाम है? पहला है आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा है आपका जातिवाचक और तीसरा है आपका भाववाचक। अभी जानेंगे तीनों जो उसके भेद है, तीनों के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आइए। मिटा रही हूँ, आशा है कि आप लिख चुके होंगे सभी। तो पहला भेद था उसका, या फिर पहला उसका प्रकार था व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नामों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आप चाहते हैं लिखना तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को, नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप में जैसे कि विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति कौन होंगे? जैसे कि महात्मा गांधी, राम, श्याम, ठीक है, ये सारे आपके विशेष व्यक्ति हुए।
उसके बाद है वस्तु। वस्तु में जैसे कि किताबें, जैसे कि भगवद गीता हुई, कुरान हुआ, ठीक है, रामायण हुई। उसी तरह स्थान, जैसे कि दिल्ली, बम्बई और भुवनेश्वर। तो मैं यहाँ पे उदाहरण लिख रही हूँ इसीलिए ताकि मैं बाद में अच्छे से और समझा सकूँ। जैसे कि विशेष व्यक्ति, ठीक है, दो तीन नाम लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। विशेष व्यक्ति में आपका आएगा जैसे कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी। उसके साथ मान लीजिए मैं राम लिख ली, एक किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, राम। उसके बाद आया आपका विशेष प्राणियों के भी नाम आ जाते हैं व्यक्ति के अंतर्गत, ठीक है। तो विशेष प्राणी के नाम, विशेष, विशेष में पशु लिख देती हूँ प्राणी के बजाय, पशु। कौन कौन होंगे, जैसे कि चेतक, चेतक एक घोड़े का नाम है, चेतक, ऐरावत हाथी को कहते हैं, ठीक है। दो दो उदाहरण लिख रही हूँ, ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ। उसके साथ आएगा विशेष वस्तु, वस्तु में मैं विशेष किताबों को ले रही हूँ, ठीक है, विशेष, विशेष पुस्तकों का ले रही हूँ, ठीक है, पुस्तक, जैसे कि गीता, कुरान, ठीक है, रामायण की किताब। देखा, इस तरह का हम अलग अलग, इस तरह का मैं अलग अलग इसीलिए की ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि विशेष व्यक्ति कौन कौन जाता है उसके अंतर्गत, ठीक है, विशेष पशु में कौन जाता है और विशेष पुस्तक में कौन जाता है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है, दूसरे उसके जो भाग है उसको दूसरे का नाम क्या है, जी, जातिवाचक। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो अभी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के समूह या फिर उसकी पूरी जाति के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, समझ में आई। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप लोग इसे लिख लीजिए, ठीक है, ताकि बाद में आपको याद करने में सुविधा हो। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु के समूह, समूह या जाति के, जाति को बोध कराने वाले शब्दों को, बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसको कैसे हम समझेंगे, इसके उदाहरण क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैं बताई थी आपको विशेष व्यक्ति, विशेष पशु, विशेष पुस्तक से आपको समझ में आया व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। उसी प्रकार जाति को भी समझेंगे। मान लीजिए विशेष सॉरी प्राणी की जाति, ठीक है, मान लीजिए प्राणियों की जाति, प्राणियों के जाति, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, मान लीजिए आएगा आपका पशु, ठीक है, घोड़ा, हाथी, ठीक है। विशेष प्राणियों के जाति में प्राणी में हम भी आते हैं, जैसे कि बालक, ठीक है, बालक। तो अभी आपका सवाल आएगा, ठीक है, अभी आपका सवाल क्या आएगा, मान लीजिए मैं सवाल डाली होंगी आपका चेतक घोड़ा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चेतक है और यहाँ पे है आपका घोड़ा, तो मैं चेतक के नीचे रेखांकित की होंगी, है ना, रेखांकित की होंगी और आपको सवाल दी होंगी कि इसके भेद की पहचान कीजिए, संज्ञा का ये कौन सा भेद है। तो आप क्या लिखेंगे, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं घोड़े की जगह, अगर सॉरी मैं चेतक की जगह अगर घोड़े के नीचे रेखांकित करती तो आप क्या लिखते, जातिवाचक संज्ञा। तो ध्यान रखिएगा, इसी तरह का प्रश्न आएगा और आप लोगों को उसको, उसकी सामना करनी है, ठीक है। तो हो गया ये प्राणियों की जाति, ठीक है, उसके बाद वस्तु, वस्तुओं की जाति, ठीक
ठीक है, थोड़े थोड़े ही बता रही हूँ मैं वस्तुओं की जाति जाति। जैसे कि अभी मैं लिखूंगी पुस्तक, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मैं गीता लिखी हूँ, तो गीता एक विशेष पुस्तक का नाम है, तो वो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। लेकिन केवल अगर मैं पुस्तक लिख दूंगी तो वो आपका जाति। पुस्तक यानी कि सारे पुस्तक, जितने पुस्तक हैं इस दुनिया में सभी को समझ में आती है, इसीलिए वो किस में गई, आपकी जातिवाचक संज्ञा में गई। आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा, तो आप लोग लिख चुके हैं, मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। चलिए तीसरी है आपकी भाववाचक संज्ञा। तीसरी है भाववाचक संज्ञा। अभी भाववाचक संज्ञा क्या है वो जानेंगे। तो इसकी परिभाषा जानेंगे पहले, ठीक है। किसी भाव, स्वभाव या गुण को, गुण के नामों को जो व्यक्त करता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए उसकी परिभाषा लिख लेते हैं। किसी गुण, सॉरी, किसी भाव, स्वभाव और गुण के नामों को, गुण के नामों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या होगा, जैसे कि सुंदरता, लोभ, ठीक है, क्षमा, ये सारी चीजें उदाहरण के तौर पे मैं लिख रही हूं यहाँ पे। सुंदरता जो कि हमारे मन का भाव है, जो अनायास किसी चीज के लिए निकल जाता है, ठीक है। किसी हम फूल को देखते हैं तो कहते हैं ना, अरे कितनी सुंदर है, इसकी सुंदरता को देखो, ठीक है। उसी तरह वो अनायास हमारे मन का जो भाव है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सुंदरता, समानता, लोभ, ये सारी चीजें आपकी भाव है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। अभी हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसी हैं, ठीक है। तो कैसे बनती हैं, वे पांच शब्दों के वजह से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो वो पांच शब्द क्या है, पहला है जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से आपका, दूसरा है सर्वनाम से। भाववाचक संज्ञा किस शब्दों से बनती है, किन शब्दों से बनती है, तो पहला है जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा है सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, सिर्फ सर्वनाम से लिखना भी चलता है, ठीक है, सर्वनाम से। तीसरा है आपका विशेषण से, विशेषण से। चौथा है आपका क्रिया से, चौथा है क्रिया। और पांचवा है अव्यय से। तो पहले इनके विषय में जान लेते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही होगी कि ये सारे शब्दों का मतलब तो हमें पता नहीं है सही से, तो पहले हम इन शब्दों के विषय में, ये जो एक एक शब्द यहाँ पे है, पहला है जातिवाचक। जातिवाचक में समझा ली कि कोई भी शब्द जो पूरी जाति को समझ में आता होगा उसको कहते हैं जातिवाचक। अभी सर्वनाम क्या है, संज्ञा पढ़ रहे हैं, संज्ञा के जगह पे जो शब्द प्रयुक्त होती हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, हम, तुम, तुम्हारा, ये सारे शब्द आपके सर्वनाम में आते हैं। उसके बाद है आपका तीसरे नंबर पे विशेषण, ठीक है, जो विशेष्य की विशेषता बताता है, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। उसके बाद आया क्रिया, काम होता है, जो जो हम काम करते हैं उसको ही क्रिया
कही जाती है, काम वाले शब्द। जैसे कि संज्ञा नाम वाले शब्द, उसी तरह क्रिया काम वाले शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अव्यय। अव्यय का अर्थ ही होता है जो व्यय ना हो। जब भी हम उसे वाक्य या अलग से भी लिखते हैं तो वह कभी बदलता नहीं है। जैसे कि लिंग, वचन, कारक, ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं उस वाक्य के अनुसार, लेकिन अव्यय कभी नहीं बदलता, वो वैसे ही रहता है। तो उस इन सभी का उदाहरण सहित समझेंगे। सबसे पहला है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में, जातिवाचक से भाववाचक, एक एक शब्द का उदाहरण दूंगी, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, भाववाचक, भाववाचक में बदलता है। जातिवाचक का एक शब्द जैसे कि जवान, क्या ली में, जवान। जवान का अर्थ आपको समझ में आता है, ठीक है, जो देश के लिए, जो अपनी जान जोखिम में डालकर जो देश की सेवा करते हैं उनको भी जवान कहते हैं। ठीक है, तो जवान, जवान का क्या होगा, जवानी। जब वो भाववाचक में बदलेगा तो उसे हम कहेंगे जवानी। आगे बढ़ते, अभी दूसरे नंबर पे कौन है, सर्वनाम से। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सर्वनाम, सर्वनाम से फिर भाववाचक, भाववाचक। आप इन्हें चाहे तो लिख सकते हैं या फिर आपकी किताब में मौजूद है सारी चीज़ें। ठीक है, बस आप समझिए देखकर। सर्वनाम से, सर्वनाम जैसे मैं लिखी अपना, अपना एक सर्वनाम है, अपना से क्या होगा, अपनापन। ठीक है, अपना से भाववाचक अगर होगा तो वो हो जाएगा अपनापन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विशेषण, तीसरे में है विशेषण, तीसरा है आपका विशेषण। तो विशेषण में, विशेषण से फिर से भाववाचक में बदलेंगे। तो विशेषण का एक शब्द बताइए, जैसे कि अभी बताई थी मैं सुंदर, ठीक है, तो सुंदर, सुंदर, सुंदर से क्या होगी, सुंदरता, उसकी भाववाचक संज्ञा होगी सुंदरता। बेटा मैं यहाँ मिटा रही हूँ इसे, इन दो तीन मिटा के यहीं पे आपको लिख रही हूँ। ठीक है, चौथा है आपका क्रिया से और पांचवा है आपका अव्यय से। तो इसे मिटा के यहीं पे आपका उदाहरण मैं लिख रही हूँ, आप बस देख के समझिए मैं कैसे लिख रही हूँ, मतलब उसके उदाहरण कैसे दे रही हूँ उसको समझिए। ठीक है, तो अभी आया एक दो तीन, तीसरा तो खत्म हुआ, चौथा है आपका क्रिया से। ठीक है, क्रिया से क्या बनाएंगे, भाववाचक। सबका एक एक उदाहरण दे रही हूँ, बाकी आपकी किताब में ढेर सारे उदाहरण है, उसे आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसे याद कीजिए। ठीक है, चलिए क्रिया से, क्रिया जैसे कि मैं लिखी अभी खेलना, ठीक है, खेलना है आपका क्रिया, तो वो भाववाचक में बदल जाएगी खेल में, खेल हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं आखिरी, क्या है, अव्यय से, क्या है, अव्यय से। तो अव्यय से भाववाचक में बदलेंगे, अव्यय से भाववाचक में बदलेगी। अव्यय यानी कि जो व्यय नहीं होता, जैसे कि वाह वाह, ठीक है, हम जैसे कि कोई सुंदर कोई चीज़ देखते हैं, अरे वाह कहते हैं ना, अरे वाह वाह क्या गजल गाया, ठीक है, इस तरह का कहते हैं ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं ले रही हूँ वाह वाह, ठीक है, जो कि भाववाचक में बदल के क्या बन जाता है, वाह वाही, क्या बन जाता है, वाह वाही में बदल जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका संज्ञा का, सभी जितने भी उसके भेद हैं सबको मैं अच्छे से समझाई आपको, आशा है आप लोगों को सब समझ में आई होगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस विषय को अच्छे से जाकर पढ़ेंगे एक बार, उसके जितने भी भेद हैं सबको आप याद करेंगे। ठीक है, अगली कक्षा में मैं क्या करूँगी, इससे जुड़ी कुछ दो चार प्रश्न आपको दूंगी करने के लिए भी, उसके साथ आपको पूछने के लिए भी पूछूंगी भी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, अगली कक्षा में हो सके तो हम इसके अभ्यास को करेंगे। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।